जिला अधिकारी रंजना राजगुरु ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में जिले के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिला अधिकारी ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराए जाने को लेकर न्याय पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएं। शिविरों में रेखीय विभाग के अधिकारी भी प्रतिभाग करते हुए किसानों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। डीएम ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह विशेष शिविरों में प्राप्त आवेदनों का 2 सप्ताह के भीतर निस्तारण करें। बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी बीपी मौर्य ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी दी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डीडी पंत, जिला विकास अधिकारी केएम तिवारी सहित लीड बैंक अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, उसमें जितने भी किसान हमारे कवर्ड हैं उनको अभी केसीसी का लाभ दिया जाना है, जिसके लिए एक ड्राइव चल रही है 8 फरवरी से 23 फरवरी तक। और उसमें अभी जितने हमारे पीएम किसान योजना में अभी तक कवर्ड है किसान, वो 28,697 हैं और उन सभी को लाभ दिया जाना है। और इसमें अभी हम लोग पूरा कैंप मोड में काम कर रहे हैं, जैसे अभी आज देख रहे हैं आप सभी कि यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें लाइन डिपार्टमेंट्स भी हैं और बैंकर्स भी हैं, एलडीएम है, नाबार्ड के प्रतिनिधि हैं। तो सभी लोग हम लोग एक मीटिंग में मंथन कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से कैम्प मोड में करके इस ड्राइव को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम लोग केसीसी का लाभ दे पाएँ। तो उसके लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं और उसमें अभी तक तो हमारा फिलहाल 2-3 दिन में कैम्प मोड में नहीं चल रहा, लेकिन कल से हमारा पूरा 35 न्याय पंचायतों में हम लोग कैंप लगाएंगे और उसमें जो हमारे राजस्व विभाग के लोग भी रहेंगे और जो कृषि और संबंधित विभाग हैं उनके भी लोग रहेंगे और बैंक के प्रतिनिधि भी रहेंगे। तो हम लोग इसको पूरा मिशन मोड में करने वाले ताकि हमारे सभी किसानों को केसीसी का लाभ मिले। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार केसीसी में जो हमारे पशुपालक भाई हैं और जो हमारे मत्स्य पालक व्यवसाय से जुड़े हैं तो उनको भी इसमें कवरेज मिल रही है, तो ये भी किसानों के लिए अच्छी बात है। तो हम लोग पूरा इसमें सभी विभाग को मैं निर्देश दे रही हूँ कि इसमें तत्काल सभी लोग सीरियसली काम करें और कहीं भी किसी भी तरह से मुझे लापरवाही इसमें नहीं दिखनी चाहिए। देखिए अभी तक एक्चुअली किसान निधि में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है, लेकिन कभी कभी होता है कि किसान के एंड से या कहीं डेटा जब हम लोग फीड करते हैं तो उसमें कहीं एक अंक का या एक शब्द का फर्क आ जाता है, चाहे वो नाम में आ जाए या आधार कार्ड में। कभी कभी बैंक के जो IFSC कोड रहता है उसमें अंतर आ जाता है, तो इस वजह से कुछ किसानों की सम्मान निधि आने में प्रॉब्लम हुई है। लेकिन उसमें भी हम लोगों ने पूरा उसको जो इनका पोर्टल है वहाँ से हम लोगों ने डेटा ले लिया है और किन किसानों का इस तरह से करेक्शन करना है उसको फील्ड के अधिकारियों को हमने दे दिया और करेक्ट करके हम लोग उसको जितने भी किसानों का करेक्शन करना था उसको हम लोग करेक्ट करके फिर से अपलोड कर रहे हैं, तो उनको फिर से लाभ मिलना शुरू हो गया है। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।